सो बेसिकली कल से शुरू है नवरात्रा, और मैंने सोचा है कि क्यों ना इस बार नवरात्रा का जो है फास्ट रखा जाए। हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है एक नए फ्रेश ब्लॉग में। अभी मैं हूँ सेंटर में। सो एक मेरा ऑनलाइन बैच था, वो लेने के लिए मैं आया हुआ था, तो जस्ट अभी फिनिश हुआ है। तो आज का दिन की स्टार्टिंग है वही सेंटर से हो रही है, तो अभी इसके बाद काफ़ी सारे बैचेज हैं और बीच में टाइम मिलता रहा तो मैं आपसे बात करता रहूँगा। तो बेसिकली मेरा अभी एक इंग्लिश का बैच था, तो काफ़ी अच्छे से स्मूथली हो गया। और मैं सोचा था कि पहले घर से स्टार्ट करता हूँ ब्लॉग, पर सोचा नहीं आज चलो सेंटर ही चलते हैं, आज सेंटर से ही ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं फटाफट लैपटॉप को ऑफ़ कर रहा हूँ, और अभी बज रहे हैं 2:02 और मुझे पहुँचना है 2:30 तक ग्रीन पार्क में, वहाँ पर बैच है। और फिर आज बीच में बहुत कम मतलब टाइम मिलेगा मेरे को, कभी 15 मिनट का, कभी 5 मिनट का, और डिस्टेंस है कम से कम 4-5 किलोमीटर, तो डिफ़िकल्ट तो है। तो कोई नहीं, डिफ़िकल्ट तभी तो मज़ा आएगा ब्लॉग बनाने में। तो आपसे मैं डिस्कस करता रहूँगा बीच बीच में कि कैसे कैसे मैं जा रहा हूँ, ट्राई करूँगा बीच में रुक रुक के शूट करने का, बड़ा मज़ा आएगा। और आप लोग देखना पूरे के पूरे ब्लॉग में कि कैसे कैसे मैं कहाँ कहाँ पहुँचता हूँ, कितनी मुश्किलों के साथ। और कल का ब्लॉग भी मैंने बनाया था कि बहुत सबसे मुश्किल बैच, मतलब बैच मुश्किल नहीं था, बेसिकली जो वेदर हो गया था वो ख़राब हो गया था और मैं सेंटर आया नहीं था, रास्ते से मैंने पार्क से बैच लिया था, थोड़ा वो डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए। सो सब ठीक है वैसे। सो ठीक है दोस्तों, अभी फटाफट मैं निकलता हूँ और कुछ देर मिलते हैं, ठीक है? ओके। मास्क ज़रूरी है ना, मास्क पहनना, इसलिए मास्क पहन लेता हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, फाइनली मैं अभी जैसे घर पहुँचा हूँ, एक मीटिंग है मेरी बहुत ज़रूरी, वो मैंने मैसेज कर दिया है, तो अभी क्लाइंट का मैसेज नहीं आया, तो देखता हूँ जब तक आता है फिर बात करता हूँ। सो बेसिकली कल से शुरू है नवरात्रा, और मैंने सोचा है कि क्यों ना इस बार नवरात्रा का जो है फास्ट रखा जाए। तो कल से मतलब मैं रख रहा हूँ, और मतलब मेरा रूटीन कुछ ऐसा होगा कि मतलब पूरे दिन में जैसे अगर भूख लगी तो फल खाना, दूध पी लेना, चाय पीना, पानी पीना, और रात को मतलब खाना खाना बिना प्याज और लहसुन का, मतलब मेरा तो ये रूल होगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों में से अगर कोई नवरात्रा के फास्ट रख रहे हैं तो आप लोग कैसे करते हैं, मतलब क्या तरीका अपनाते हैं। जैसे मेरा को तो ये तो है कि खाना नहीं खाऊं चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल मतलब थोड़ा नहीं, वैसे रखता हूँ फास्ट, बट वैसे ट्राई करूँगा नहीं खाने का, बट अगर हल्का फुल्का भूख लगा तो फल खा लूँगा। तो अब मुझे आप लोगों से जानना है कि आप लोग कैसे करते हैं। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट में कीजिए, बताइए कि आपका क्या रूल है करने का, तब थोड़ा मुझे आइडिया मेरे को मिलेगा और देखते हैं कैसा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, मतलब सब कुछ मैं बताऊंगा ब्लॉग में, आपको कैसा मतलब फील हो रहा है, कैसा लग रहा है ये सब, ठीक है आपको बताना है। ओके। और बेसिकली क्या हुआ कि आज बीच में मैं ब्लॉग नहीं कर पाया, एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे मेरा बैचेस में क्या था, कैसे होता है आधा घंटे का गैप या फिर 20 मिनट का गैप, लेकिन आज क्या था कि गैप था खाली 15 मिनट का, और जो रास्ता है 20 मिनट का उसको मैं 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो मैं सोचा कि यार पहले क्या करता हूँ कि बैचेस ख़त्म कर लेता हूँ, फिर अच्छे से मिल के ही मतलब ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि नहीं हो पा रहा था लिटरली। कोशिश करी मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश करा लाइट पर भी मतलब टाइम मिलते कर लूँ, बट सोचा क्या जल्दबाजी में इतना मैं ब्लॉग बनाऊंगा अभी नहीं मन करा, सोचा कि नहीं अब मैं घर जाके ही ब्लॉग बनाऊंगा। यहाँ तक कि मैं जो क्लाइंट की मीटिंग है इसके लिए मैं अभी जल्दी आया हूँ, 10:40 अभी हो रहे हैं, वैसे पहुँचता 11 बजे तक, स्टैंड पर लाइट भी जल रही थी, मन तो भी हुआ कि वहाँ पर थोड़ा मैं शूट कर लेता हूँ, ये सोचा कि नहीं यार टाइमिंग दे रखी है 10:30 की, तो नहीं चल रहा है, फटाफट काम कर रहे हैं, बिकॉज काम प्रायोरिटी है। सो ट्यूशन कर रहा हूँ वो, ये मीटिंग, ये सब ज़रूरी है। तो ब्लॉगिंग ऐसा नहीं है, मुझे ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट, ब्लॉगिंग बहुत इंटरेस्ट है, बट ये नहीं सोचता कि मैं उनका काम को छोड़ के फिर ब्लॉगिंग करूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेड एंड बटर है वो उस काम से ही है। सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, और मैं जानता हूँ कि जैसा ब्लॉग आप लोग चाह रहे हैं कि वैसा मतलब वैसा नहीं बन पा रहा है, थोड़ा दुख होता है मुझे भी यार कि ऐसा ब्लॉग में डेली आपको नहीं दे पा रहा हूँ, बट पूरी कोशिश रहती है। मतलब लिटरली मेरा आज भी मन था कि मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ ब्लॉग, क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन नहीं बना पा, बट बनाऊंगा, डोंट वरी। और मैंने अपने फ्रेंड आदि से बात भी करी है कि यार, कि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोगों को जो फूड ब्लॉगिंग है पसंद है, नई नई जगह पर एक्सप्लोर करके जो हम खा रहे हैं
तो मैंने आदि को बोला है कि अगर कोई और जगह मिलता है तो बताने के लिए, देखने के लिए। तो उसका मुझे मैसेज आया था कि वो सर्च कर रहा है। तो लिटरली तो देखते हैं, अगर इस वीक हमको अच्छी जगह मिली इस संडे या सैटरडे को तो पक्का वहाँ जाएंगे। बट आई एम नॉट, मैं आपको कन्फर्म नहीं कर रहा अभी, कन्फर्म मैं करूँगा जब वो वीडियो बन जाएगी तभी कन्फर्म कर पाऊँगा। बिकॉज हमारा प्लान क्या होता है, जैसे मेरे आदि का, दीपक का, बबलू का, जावेद सर का, हमारा प्लान क्या होता है कि जैसे आज बना, आज मिलना है, कभी कभी उस सेम डे कैंसिल भी हो जाता है। सो लिटरली मैं अभी आपको कुछ नहीं बोलने वाला, कुछ कन्फर्मेशन नहीं देने वाला कि हम लोग कब मतलब जाएंगे, कुछ भी। जिस दिन हम चले जाएंगे ब्लॉग आ जाएगा, उस दिन समझना कि भैया हमारा ब्लॉग जो है मतलब बन गया फूड ब्लॉग। क्योंकि देखने में लगता है ईजी है, बट इतना ईजी नहीं होता, ढूंढना होता है उसको, फिर जाके मतलब बनाना होता है, तो इतना ईजी नहीं है। बट येस, वहाँ पहुँच के जब पहुँच जाते फिर देखते हैं कि सारे ब्लॉगर्स हैं, तब बड़ा मज़ा आता है। जैसे यहाँ हम लोग गए थे फूड बॉस ऑफ इंडिया वाले में, मज़ा आ गया, मतलब इतने सारे ब्लॉगर्स मिले, इतने सारे, मतलब लगा कहाँ जन्नत में आ गए हैं। सो ये तो है, बट लगे हुए हैं इस चीज़ में। सो इस वीक मे बी वीकेंड में आपको अच्छा ब्लॉग मिलेगा देखने के लिए, और कल भी अच्छे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा वीक बेकार निकालूंगा, ऐसा नहीं है, अच्छे ब्लॉग मिलेंगे। थोड़ा बहुत और थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा बहुत मतलब अभी काम ज़्यादा आ गया इसलिए थोड़ा इशू आ रहा है, बट ब्लॉगिंग डेली होगी और अच्छी मिलेगी आपको। कंटेंट वीक नहीं मिलेगा, कंटेंट की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा मिले, ठीक है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, बताना कि वीडियो कैसी लग रही है। मैं बना रहा हूँ आपके लिए 365 डे 365 ब्लॉग, सारे ब्लॉग देखने आपको, बताना कैसा लग रहा है। सो मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।